अरे राम राम पूजा बिटिया, राम राम काका, जीती रहो बिटिया जीती रहो। मैं पूछती हूँ, क्या तुमने सारी बस्ती का ठेका लेके रखा है? नहीं तो फिर तुमने आशा की दुकान का किराया क्यों दिया? वो कमीना मौसी को परेशान कर रहा था माँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम किसी के काम आ सके। खुशी तो होती है पर डर लगता है जब तुम वीरा जैसे शैतान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने लगती हो। ओफो माँ, तुम भी बात का बतंगड़ बना देती हो। लाओ मुझे किताबें दो, मैं रख देती हूँ। ले लाओ जल्दी दो। ये ले। मैडम आपके पास लेटेस्ट न्यूज वीक होगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए प्लीज। माँ किताबें दो, लाओ ना। और थोड़ी जगह है माँ। जैसा सोचा था उससे कहीं बढ़ कर पाया। कुछ कहा आपने? जी जी नहीं, बस यही कुछ। दरअसल मुझे चंद शायरों के ऑडिशंस चाहिए, गालिब, दाग, मोमिन, फिराक। अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, वैसे तो हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चाहत होती है, पर आपने कभी सागर साहब का कलाम पढ़ा है? सागर? ये किस सीढ़ी मार का नाम है? आप सागर को नहीं जानते? वो आज के दौर के बहुत बड़े शायर हैं। मेरा दावा है कि आपको उनका कलाम बहुत पसंद आएगा। ये आजकल के शायर क्या खाक लिखेंगे, नामी गरामी शायरों के कलामों से बूंदे चुरा चुरा कर बन गए हैं सागर। पायल की सुरों का इल्म नहीं और झनकार की बातें करते हैं। सुनिए मिस्टर अमन वर्मा। अमन वर्मा जी, अगर आपने सागर के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्या कर लेंगे आप? मैं ये किताबें नहीं दूंगी। लगता है आप उस शायर से, क्या नाम बताया आपने? सागर। हाँ सागर, लगता है आप उससे जरूरत से ज्यादा चाहती हैं। जी हाँ मैं चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ आपसे। मतलब? मतलब ये कि आप बेमतलब नाराज हो रही हैं। चलिए मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, अब तो किताबें दे दीजिए। अब अगर सागर साहब का नया एडिशन इसमें शामिल हो जाए तो तब तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्काउंट निकाल के बिल कितना हुआ? इन किताबों के 40 रुपए, 10 रुपए डिस्काउंट के 30 रुपए हुए। शायद इस शहर में नया नया आया है, अजनबी सा लगता है। मगर दिलचस्प अजनबी था। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.